अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और जी आज है संडे और कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने कल से। अब्बू जी आए आपके। अच्छा जी, अच्छा लाइट इसलिए बंद है क्योंकि मैंने घर साफ़ किया, और जब मैं घर साफ़ कर लेती हूँ ना तो फिर मुझे होता है लाइट ऑफ हो, कोई भी फिर मक्खी शक्की या इस तरह की चीज़ें ना आ जाएं, तो इसलिए फिर मैं लाइट्स ऑफ ही रखती हूँ और सुकून मिलता है। अच्छा ये जी मैंने कहा थोड़ा सा अपनी आज की रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो आज है नहीं घर, वो जी दोबारा इस्लामाबाद गए हुए हैं। कल रात से तकरीबन 12:30 बजे वो निकले हैं, और मैं उनको यही कह रही थी कि देखें हमारा प्लान था कि हम आ जाएंगे और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो खैर वो चले गए। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ करने को नहीं था, क्योंकि हस्बैंड हो तो मेरा काम ज़्यादा बढ़ता है, वरना नहीं, क्योंकि वो कभी कुछ मांग लेते हैं, कभी कुछ कभी बैठा लेते हैं अपने पास, तो घर के काम रुक जाते हैं, तो इस वजह से फिर बाद में करने पड़ते हैं। तो ये जी हमारे एक दिन के कपड़े थे जो हम इस्लामाबाद में हमने यूज़ किए थे, तो वो सारे रात को मैंने वॉश करके रख दिए थे। अब मैं इनको जी बच्चों को देने लगी हूँ खाना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आज। ज़रा बच्चे भी ना उठा मैंने इनको दिया था 10:00, लेकिन ना ये मैंने था। अच्छा चलो उधर रखो, रोटी के साथ देती हूँ। तो उठा, अच्छा तो मैं उठा मैंने इनको दिया था सुबह जल्दी, लेकिन बस वैसे ही बिस्तर पर लेटे रहे क्योंकि कुछ करने को नहीं था इस वजह से। तो अब जी ये देखें फ़ैन ऑन करके अभी मैंने इनको शावर दिलाया, टाइम हो गया जी 3:30, इन्होंने सिर्फ दूध पिया हुआ है, अब इनको भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी। दूध पिया नहीं था आपने सुबह? आप चाय पी जूती, हम तो ही ओए मोहम्मद अहमद, मैंने चाय पिया कोई? नहीं। दूध किसने पिया है? हाँ देखा, आप जूते हो, आप जूते हो, समझ रही है? ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप का वैसे ही शर्मिंदा करवा देते हैं। तो जी बस अब मैं अंदर किचन में जा रही थी, तो कोई भी ब्लॉग मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ एक मिनट, मेरा ना थोड़ा सा आजकल, आप ये देखो ये तेज़ करके हो आप, फिर किया है यार आपने तो ये। अच्छा उधर रखो, ये चिप्स अच्छी है आप दी, ये चिप्स नहीं है, ये पेपरोनीज है, ये रखो उधर, रखो उधर, ये कुछ इसी तरह क्या है मैंने। तो बहरहाल अब मैं बच्चों को देने लगी हूँ रोटी। मेरा थोड़ा सा आजकल ना बीपी का इशू चल रहा है, थोड़ा सा बीपी हाई हो जाता है, तो नीचे वाला भी ऊपर वाला भी मिक्स ही चल रहा होता है, इसलिए फिर मेरा ना दिल घबराने लग जाता है, और उसकी वजह से ना मेरे से फिर कुछ भी करने का दिल नहीं करता। हाँ जी पिज्जे पे भी यूज हो सकता है। हाँ जी लाइट भी बहुत ज़्यादा ही कम लग रही है, लाइट हम जला देते हैं, हमारे पास लाइटें हैं, लेकिन बस वैसे ही जो है ना फैन भी है हमारे पास किचन में, लेकिन चलो आओ, चलो ना खोलना इसको, मैंने ऐसे ही रखना है, तो वो तो आपने ना वो थोड़ी ज़्यादा ही गर्म कर दी थी, ये देखो इसको रखो। अच्छा मोहम्मद मुस्तफा, हाँ ये लो, ए बस चलो, एक आपकी एक भाई की, वो कह रहा जी मुझे रोल में लगा दें, रोटी के रोल में लगाते हैं, और वो बच्चा रोटी के रोल में भी ना सूखी रोटी के रोल में लगाता है, घी वाले पराठे वाले में नहीं लगवाता ना बेटा, हाथ कट जाएगा। चलो चलो ये लो चले जी, मैं इसको फोन देती हूँ ताकि इसको, अच्छा इसको जब तक मैं फोन नहीं दूंगी ना, इस बच्चे ने मेरे पीछे पीछे दुम की तरह मेरे पीछे पीछे फिरते रहना और फोन लेके जाएगा मेरे से। बेटा वेम में चलो। और अच्छा ये देखें अभी मैंने कपड़े वॉश किए हैं, और ये सिर्फ अभी के कपड़े उतरे और बेडशीट उतरी है, और फिर मशीन जो है ना फुल हो गया, अभी ये मैं रात को लगाऊंगी। ये जी मोहम्मद अहमद का रोल रेडी हो रहा है, और ये देखें पेपरोनीज लगाई हैं और बारबेक्यू, पेपरोनीज नहीं चिप्स हैं, ये चिप्स नहीं है, ये पेपरोनीज हैं, ये चिप्स नहीं है, चिप्स है। अच्छा वो पोटैटो चिप्स समझ रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही मोहम्मद मुस्तफा को, नहीं समझ, ओ पेपरोनी है ये, चिकन होता है। चलो जी ये ऐसे ही सूखी रोटी पे खाता है और कुछ नहीं खाता, और कैचअप बस इसको ज्यादा ना हाथ जल जाएगा, और जो है ना कैचअप इसको ज्यादा सारी चाहिए होती है, ये देखें। चलो जी ये इसको देते हैं, मोहम्मद मुस्तफा की रोटी भी उतर गई है, वो एग के साथ खाएगा और उसको भी देते हैं। ले जी बच्चों को खाना खिला दिया, खुद भी चाय पी ली, और अब इस बच्चे को मैं पिछले कोई एक घंटे से कह रही हूँ बुक्स ले आओ, बच्चों को पढ़ाना घर में बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है, ऊपर से इस बच्चे से आप इंग्लिश करवा लें, मैथ करवा लें, मतलब कोई और काम करवा लें वो कर लेगा, लेकिन ये जो उर्दू का काम है ना, ये बच्चा उर्दू का काम नहीं करता, और इसकी ज़रा भी अच्छी राइटिंग नहीं है उर्दू में, इसकी उर्दू से जो है ना जान निकलती है कि बस अच्छी है ना, नहीं कोई अच्छी नहीं है,
ये मतलब इसको होता है कि बस मुझे उर्दू का कुछ ना करना पड़े, बाकी मेरे से इंग्लिश का करवा लो, मैथ इसका फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ इसे करवा लो। क्या तो अभी तब तब भैया था और अब मैं इसको लेके बैठी हूँ और वो मैंने इसको क्वेश्चन उतार के दिया है, बड़ा बड़ा करके वर्ड, इतना बड़ा बड़ा वर्ड करके दिया है ताकि वो देख के जो है ना यहाँ पे उतारे। मैं आपकी कॉपी में लिखा था, तुम मेरी ये टास है। ओके, आपकी के जी है, ठीक है, के जी बी से ना शुरू कर लो। तो यहाँ से करो ना, यहाँ से ये देखो ना, यहाँ पे लिखो ना, यहाँ से बंद हो। एक तो मैं उसको करा रही हूँ, ऊपर से ये बच्चा जो है ना मुझे तंग कर रहा है। चलो जी इसको बैठाते हैं और उसके बाद जो है ना फिर हस्बैंड भी कह रहे हैं कि एक डेढ़ घंटे तक आ जाएंगे, फिर उन्होंने लेके जाना है कहीं, पता नहीं कहाँ गए अभी तो हमें मुझे भी पता है। चलो ठीक है, चले जी आप इसको करवाती हूँ और करवाने के बाद जो है ना फिर वो जो कपड़े है ना जब तक वो नहीं आते वो आयरन करते हैं। इस बच्चे ने मेरा टाइम बहुत वेस्ट किया है। चलो करो। कौन सा बच्चा? ये भाई, ये मोटा है इधर। ये मोटा है और आप क्या हो? पतले। मैंने याद है मोहम्मद अहमद आप लोगों का नाम रखा हुआ था मोटू पतलू। याद है पतलू आपने, याद है आपने इसका वो नाम इधर पुछूड़ी रखा हुआ था, पुछूड़ी पुछूड़ी के दिन। चलो होमवर्क करो आप। ये जी हस्बैंड वापस आ गए, अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे और मरी को हाथ लगा के वहाँ पे मतलब रात को गए हैं और सुबह मरी पहुँचे हैं। ठीक है, कितने बजे पहुँचे थे? अभी जी नींद में हैं बहुत ज़्यादा और अभी कोई आधा घंटा पौना घंटा सो गए हैं और एकदम अब दोबारा आँख खुली क्योंकि इनका हमारे साथ प्रॉमिस था दोबारा कि मैं वापस आऊँगा लाहौर तो तुम लोग को बाहर डिनर अच्छा सा करवाऊँगा। अब जी देखते हैं क्या करते हैं क्योंकि ये आए हुए हैं तकरीबन 7:30 के बाद ही 7 बजे के करीब तकरीबन आए हैं और अब जी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:09। बाहर मैंने सारे आयरन वगैरह कर लिए हैं, कपड़े के जो नाइट सूट हैं वो रखे हुए हैं, बस ये उठाने लगी थी तो ये आके फिर मैं इधर आ गई। बच्चे जी बाहर खेलने चले गए हैं और अब जी मैं इनको उठा रही हूँ कि 8 बज गए हैं, 8 सुबह टाइम हो गया, बच्चों को सुलाना भी है फिर सुबह स्कूल है मंडे है तो उठ जाए। अब ये उठ नहीं रहे, अब इनको उठाते हैं और लेके जाते हैं। ये था जी आज हमारा संडे और प्लानिंग क्या क्या थी, लेकिन वही कहते हैं ना जो अल्लाह की प्लानिंग होती है वही होती है, आप जितनी मर्जी जो मर्जी प्लानिंग कर रहे हो। और अभी मैं बैठे हुए यही कह रही थी, अभी हम मुझे तस्वीरें रास्ते में से सेंड की तो बारिश हो रही थी बहुत ही ज़बरदस्त, इस्लामाबाद का और मरी का मौसम था, मरी में ये खड़े हुए और मतलब वीडियो बनाई हुई है छोटी सी इन्होंने अपनी, तो वो मैं देख रही थी तो मैं कह रही थी लो आज हमने यहाँ पे खड़े होना था और हमने मतलब संडे को वहाँ से मरी से निकलना था और हम ये बारिश इन्जॉय करते, लेकिन आप तो लाहौर आके वापस आके अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए, पता नहीं हाथ लगाने गए थे मरी को क्या करने गए थे, गए हैं रात को और वापस आ गए हैं। बंदा एक आधा दिन रहे तो फिर होता है ना कि चलो आप गए हो तो चलो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी गए हो तो तकरीबन 2 दिन तो रह लो, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना वो ना लाहौर से बाहर नहीं रह सकते, मतलब जाएंगे हफ्ते 2 हफ्ते का प्लान करके और मैक्सिमम 1 दिन ही वहाँ पे निकाल लेना तो बहुत बड़ी बात होती है, वापस आ जाते हैं। कहते जी मेरा दिल नहीं लगता और मुझे अपने घर के बगैर नींद नहीं आती, ये तो हकीकत है कि घर के बगैर इनको वाकई नींद नहीं आती, इनको 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं जागते हुए, अगर कोई मजबूरी के तौर पर जाना भी पड़े तो ये नहीं सोते, ये बस जागते, अगर आँख लगी है तो फिर उठ जाते हैं। चले जी मोबाइल बंद हो गया, अब मैं इनको उठाती हूँ, बाकी देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। चलिए जी हम आगे हैं यहाँ पर डिनर करने, सोचा हमने कुछ और प्लान था मतलब माइंड में मेरे और था तो वो क्या था विला कौन विला था ना विला के किनारे था, हाँ वहाँ पे जाने का सोचा था हमने कि हम इस संडे को वहाँ पे जाएंगे, लेकिन जी हस्बैंड ही लेट आए हैं तो फिर इस वजह से इन पे तरस आ गया तो इसलिए फिर हम नहीं गए और अब जी हम अपने खाने का ऑर्डर करने लगे हैं और यहाँ पे खाना खाएंगे, अभी आया नहीं है यहाँ पे खाना और अभी आता है तो फिर देखते हैं। जी खाना आ गया हमारा, ये हमने कोई क्या है ये ग्रिल वाला चिकन है ना और ये लेग पीस मोहम्मद अहमद का, हालांकि इसको कहा था कि इसमें उगा तो ये ना मंगाओ, कहता नहीं मुझे वही चाहिए। और जी मैंने कहा था पापा ने नहीं, मैंने आपको कहा आपने कहा मैंने वही खाना है और साथ में जी चिकन वाला नान और साथ ये है जी ये बोनलेस हांडी गर्मा गर्म, बुलबुले बज रहे हैं बुलबुले, इसमें बुलबुले बज रहे हैं और ये एक अदर तुम्हारा भूखा बच्चा। चलो जी बिस्मिल्लाह कर, लेट बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए फिर आते साथ ही बस बच्चों को लटाया और सुला दिया। अब मैंने कहा मैंने वीडियो का एंड तो किया ही नहीं था तो मैंने कहा चले वीडियो का एंड करते हैं, अब नेक्स्ट डे है, दोपहर का 1 बज चुका है और खाना भी रेडी हो गया, हस्बैंड खाना खा के भी चले गए, घर भी सारा नीट एंड क्लीन हो गया, किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया। आज मैंने बनाए थे जी
कल बनाई थी मैंने पालक और चिकन, आज मैंने बनाए हैं चावल साबुत मसर। ओह वो ऑयल मैं ढकना बंद करना भूल गई उसका। और साथ में जी मैंने बनाए हैं ड्रम स्टिक्स और ये जी निकल आया इसका ढक्कन। बस ये आज का खाना था। हस्बैंड तो खा गए हैं उनको, बल्कि उन्होंने 12 बजे खाया है तकरीबन, क्योंकि मैंने 10:30 बजे रख दिया था और जल्दी रेडी हो गया था। चलो जी अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें तलाल नदा के नाम से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।